हेलो गाइस, वेलकम टू एचडीएक्सपी गेमिंग। तो गाइस, क्या आप पोको F1 से पबजी खेलते हो और आजकल आपका फोन बहुत ज्यादा लैग हो रहा है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ, तो उसको फॉलो करके आपका फोन में अप्लाई कर लेना, ठीक है? तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि MIUI 11 वर्जन आपका अपडेट है या नहीं है, ठीक है? अगर आप 10 यूज कर रहे हो, MIUI 10 यूज कर रहे हो, तो उसको जल्दी से 11 में अपडेट कर लो, क्योंकि पहले जब MIUI 11 का अपडेट आया था, अपडेट करने के बाद बहुत ज्यादा लैग हो रहा था, लेकिन अभी वो फिक्स हो चुका है। अभी बहुत मतलब स्मूथ गेम चल रहा है। तो आप अगर 10 यूज कर रहे हो MIUI का, तो आप MIUI 11 अपडेट कर सकते हो। अगर आप 10 यूज कर रहे हो और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप इसको अपडेट कर लो, आपका जो गेम है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्टोरेज में जाना है। यहाँ पे स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कैच डाटा एक ऑप्शन है, जो मैं पहले वीडियो में बताया था, ठीक है? तो कैच डाटा का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा इसको। और अभी देखो क्लियर होके 41 MB हो चुका है, ठीक है? तो इसको क्लियर करना है आपको, ठीक है? एक हफ्ते या दो हफ्ते के बाद इसको जरूर क्लियर करना है। और उसके बाद बैक जाना है, और बैक जाने के बाद यहाँ पे MIUI वर्सन जो है, यहाँ पे टैप टैप करके 7-8 बार टैप करना है, और आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑन हो चुका है। उसके बाद बैक जाना है, और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मेरा ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे आना है। और डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग मेरा है, मैं उसका एक वीडियो पूरा डिटेल में बता चुका हूँ उस वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना। तो उस वीडियो में मैं पूरा बता चुका हूँ कि आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें आप लैग कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अगर आप पोको फ़ोन का यूज़र है तो इस वीडियो को देखना, और अगर आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है? आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, आपको और डेवलपर ऑप्शन में फिर से जाना है, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फोर्स 4x मास्क, इसको ऑन करना है, ठीक है? आपको ऑन करके एक बार गेम को खोल के देखना है कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है? बैक जाने के बाद गेम को ऑन करना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा गेम पूरा एकदम ऑन हो चुका है, और यहाँ पे मैं कुछ इमोट करके दिखा देता हूँ, मेरा एकदम लैग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? मेरा भी लैग होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ये सेटिंग करने के बाद मेरा अभी लैग नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत कम लैग हो रहा है। तो उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ग्राफिक्स में आना है, और यहाँ पे आपको देखना है स्मूथ और एक्सट्रीम आपका फ़ोन में है या नहीं है, और यहाँ पे आपको स्मूथ और एक्सट्रीम कर लेना है, ठीक है? आप अगर बैलेंस HD ये सब यूज़ करते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका लैग हो सकता है, उसमें आपको लैग देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको स्मूथ और एक्सट्रीम में खेलना पड़ेगा, ठीक है? आप जब स्मूथ और एक्सट्रीम में खेलोगे तो आपका गेम एकदम मक्खन की तरह चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा गेम। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप अगर नॉच स्क्रीन यूज़ करते हो तो ये जो ऑप्शन है नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन, यहाँ पे आपको नॉच सिलेक्ट करना है, और अगर आप नॉच यूज़ नहीं करते हो तो राउंडेड कॉर्नर यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ऑटो एडजस्ट डिजेबल है, आप इसको डिजेबल कर सकते हो। और यहाँ पे एंटी अलाइजिंग जो ऑप्शन है, तो इसको आपको इनेबल करके रखना है। इनेबल करके अगर लैग हो रहा है तो डिजेबल कर देना है, ठीक है? मेरा इनेबल करके बहुत अच्छा चलता है, तो ये आप खुद से करके मतलब देख सकते हो कि आपका कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है? ब्राइटनेस आपको फुल कर लेना है, फुल भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, ठीक है? आपको ये करके देखना है, एडजस्ट करके, कि आपका फ़ोन कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में लिखा है, आप जितना ज़्यादा हाई ऑडियो यूज़ करोगे, मतलब हाई अल्ट्रा यूज़ करोगे, तो आपका फ़ोन डिवाइस जो है वो हीट ज़्यादा होगा, ठीक है? इसलिए आपको इसको हाई रखना है, ठीक है? तो हाई अगर रखोगे तो आपका गेम बहुत ही अच्छा चलेगा, अगर अल्ट्रा रखोगे तो आपका फ़ोन जो है वो
बहुत ज़्यादा हीट देखने को हीट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको हाई रखना है। और अगर आप अल्ट्रा में खेल रहे हो, अल्ट्रा में अगर आपका फ़ोन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका गेम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप अल्ट्रा में खेल सकते हो, लेकिन इसमें आपका फ़ोन ज़्यादा हीट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इसको हाई रख के खेलो, हाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात गाइज, अगर आप गेम टर्बो का यूज़ करते हो, पोको ए फोन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, गेम टर्बो, तो इसका कोई काम नहीं है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसको यूज़ करके कुछ फ़ायदा आज तक मुझे पता नहीं चला कि इसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है, तो इसलिए इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसको यूज़ ना करके मेरा लैग सॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उस वीडियो में। तो उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसका कोई खास यूज़ नहीं है, तो इसको आप डिसेबल करके रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ बेसिक सेटिंग है, आप यूज़ करके देख सकते हो, आपका जो गेम है पहले से बहुत बेटर हो जाएगा, लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि 0.17.0 अपडेट आने के बाद पबजी मोबाइल में बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा डिवाइस, वन प्लस में भी लैग हो रहा है, जो एंड्रॉयड का सबसे अच्छा फ़ोन है उसमें भी लैग हो रहा है। तो इसको पबजी मोबाइल जब तक ठीक नहीं करेगा तो पूरा कंप्लीट लैग फ्री आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये फ़ोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो सेटिंग बताया इसको ट्राई करके आप देख सकते हो, आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ इस वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपका दोस्त पोको ए फोन से खेल रहा है तो उसको शेयर ज़रूर करना। और फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा है या मेरे से कोई सेटिंग छूट गया है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, तो मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।